इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेलं राजद्रोहाचं कलम लवकरच हद्दपार होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 3 नवी विधेयकं लोकसभेत मांडली आहेत. यात इंग्रजांच्या काळातील आयपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 आणि इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट 1872 या 3 गुन्हेगारी कलमांचा समावेश आहे. आता ही विधेयकं विधी आणि न्याय समितीकडे संशोधनासाठी पाठवली जाणार आहेत. नव्या भारतीय न्याय संहितेत 356 नवी कलमं असतील. आयपीसीतील 175 कलमं बदलण्यात आली आहेत. 8 नवी कलमं लागू करण्यात आली आहेत तर 22 कलमं रद्द झाली आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत 533 कलमं असतील. सीआरपीसीतील 160 कलमं बदलली आहेत तर 8 कलमं पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहेत. आज का ऐतिहासिक दिवस आहे. आज के ही दिन वो कानूनों की आत्मा जो है वो कानूनों का मध्य बिंदु है. कानून बनाने का वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे. अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था. ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं. गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है. 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान. राजद्रोह पर अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था. मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है. राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं. कंप्लीटली रिपील. यहां लोकतंत्र, सबको बोलने का अधिकार है. राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं माननीय. छत्रपतींचा विचार म्हणजे